السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं हूँ रशीद अहमद. आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल. आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज देखने को मिलेगी. आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और आल का ऑप्शन जरूर चुन लें. चलिए देखते हैं आज की रेसिपी. ये गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई चढ़ा लिया है, गरम हो गया है. अब ये एक कलछुली भर के हम ये सरसों का तेल डाले हैं, इसको गरम करेंगे. तेल हमारा गरम हो गया है, ये थोड़ा सा मेथी डालेंगे. मेथी तड़कने के बाद में प्याज डाल देंगे, दो छोटा साइज का प्याज है, बारीक चॉप करके डाल दिया है. इसको लाइट से हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे. ये प्याज हो गया है, थोड़ा सा ये लाइटर. अभी इसके अंदर ये 6-7 जवा लहसुन का बारीक कस लिया है और 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा, वो उसको कद्दूकस कर लिया, वो इसमें डालेंगे. इसको भी अच्छा सा सोटे करेंगे, भून लेंगे ताकि इसका अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए, सौंधा बना जावे और ये लहसुन का भी. ये हमारा प्याज हो गया है, 2 मिनट इसको भून लिया हूँ अच्छे से. अदरक लहसुन डाल को 1 मिनट और 1 मिनट प्याज और मीडियम आंच के अंदर भूनेंगे. अब इसके बाद हम अंदर 1/2 किलो आलू बारीक बारीक काट के डाल रहा हूँ. मैं चौकोर का डाला हूँ, आप चाहे तो कच्ची जैसा काट के डाल लें या ऐसे ही डाल लें, आपके ऊपर है. और अच्छे से मिक्स कर दे. डाल दी डाल
ये आधा चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हो गया, इसको मैं स्लो करके ढक्कन बंद करके 5 से 6 मिनट के लिए गलने के लिए छोड़ देता हूँ। ये आलू को हमने 5 मिनट भून लिया है स्लो आंच में। 2 बन 6 और ये 5 चम्मच मिर्चा डाल रहा हूँ लाल। आप अपने हिसाब से 1/2 चम्मच भी डाल सकते हैं। ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। ये 1 चम्मच भुना जीरा का पाउडर डाल रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये वो है अजवाइन, उसको ऐसा घस के डाल देंगे। एक 1/2 कलछड़ी इसमें पानी डाल के इसको बंद कर देंगे, 5 मिनट छोड़ देंगे। बाद में उसको खोल के चला लेंगे। और इसमें डालेंगे ये 2 बंच का मेथी का साग है। ढक्कन लगा के छोड़ देंगे।
ये 5 मिनट हो गया है, इसको खोल के हम चलाएंगे ना, कैसा कैसा पच गया है ना पूरा, कितना बोल सकता बाजी। दो बच मेथी का साथ था, किधर गया दिखिए पता नहीं चल रहा है। इसका जो भाजी का जो पानी छूटा है, इसे हम तेज करके इसको सुखाएंगे। एक दो मिनट ऐसा बराबर से चला चला के सुखा लेंगे। दो मिनट भून दिया इसको, अभी इसका आलू चेक कर लेते हैं, गला है कि नहीं गला है। गल गया है, थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप का है, सही है। अब ज्यादा सूखा कर लेंगे तो फिर भाजी का टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो बस अब इतना हम इसको हाफ कर देंगे स्टोव, और फिर प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है आलू और मेथी साग की सूखी सब्जी। ये बहुत ही लजीज और टेस्टी होता है। आप लोग को इसकी रेसिपी मालूम करना है तो वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक देखिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। ये गैस के ऊपर हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है, गर्म हो गया है। अब ये एक कलछुली भर के हम ये सरसों का तेल डाले हैं, इसको गर्म करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, ये थोड़ा सा मेथी डालेंगे, मेथी तड़कने के बाद में प्याज डाल देंगे, दो छोटा साइज का प्याज है बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसको लाइट से हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। ये प्याज हो गया है थोड़ा सा, ये लाइट है। अभी इसके अंदर ये 6-7 जवा लहसुन का बारीक कस लिया है, और 1 इंच का एक अदरक का टुकड़ा वो उसको कद्दूकस कर लिया, वो इसमें डालेंगे। इसको भी अच्छा सा छोटे करेंगे, भून लेंगे ताकि इसका अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए, सौंधा बना जावे, और ये लहसुन का भी। ये हमारा प्याज हो गया है, 2 मिनट इसको भून लिया हूँ अच्छे से। अदरक लहसुन डाल को 1 मिनट और 1 मिनट प्याज, और मीडियम आंच के अंदर भूनेंगे। अब इसके बाद हम अंदर 1/2 किलो आलू बारीक बारीक काट के डाल रहा हूँ। मैं चौकोर कर डाला हूँ, आप चाहे तो कच्ची जैसा काट के डाल लें या ऐसे ही डाल लें, आपके ऊपर है। और अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक मिलाएंगे, आप अपने हिसाब से टेस्ट अनुसार मिला लें। उसको मिला को मिक्स करेंगे खूब अच्छी तरीके से। इसको पहले तेल में फ्राई करेंगे, नमक अच्छे तरीके से मिल जाए। फिर इसको आँच गैस स्लो कर देंगे और ढक्कन लगा करके 5 से 6 मिनट तक उसको स्टीम में पकने देंगे। उसके बाद उसको खोल के एक बार चेक करेंगे। ये 5 चम्मच मिर्चा डाल रहा हूँ लाल,
आप अपने हिसाब से आधा चम्मच भी डाल सकते हैं। ये आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल रहा हूँ। ये एक चम्मच भुना जीरा का पाउडर डाल रहा हूँ। ये थोड़ा सा ये वो है अजवाइन, उसको ऐसा घस के डाल देंगे। एक आधा कलछड़ी इसमें पानी डाल के इसको बंद कर देंगे, 5 मिनट छोड़ देंगे। पाँच मिनट बाद में इसको खोल के चला लेंगे और इसमें डालेंगे ये 2 बंच का मेथी का साग है। अब इसको खूब अच्छे से संभाल के मिक्स करेंगे, ऊपर मिलाएंगे। इसको पूरा भरा हुआ जैसा दिख रहा है अभी, ये जैसा जैसा गर्म होएगा पूरा साग पक जाएगा। ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। ये 5 मिनट हो गया है, इसको खोल के हम चलाएंगे कैसा कैसा पच गया है ना पूरा, कितना बोल सा था भाजी। 2 बंच मेथी का साग था, किधर गया दिखिए पता नहीं चल रहा है। अब इसका जो भाजी का जो पानी छूटा है इसे हम तेज करके इसको सुखाएंगे। एक 2 मिनट ऐसा बराबर से चला चला के सुखा लेंगे। 2 मिनट भून लिया इसको। अभी इसका आलू चेक कर लेते हैं, गला है कि नहीं गला है। गल गया है, थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप का है, सही है। अब ज़्यादा सूखा कर लेंगे तो फिर भाजी का टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो बस अब इतना हम इसको हाफ कर देंगे। ये हमारा मेथी आलू का तरकारी सब्जी भाजी जो भी चाहे कहें रेडी हो गया है। आप लोगों को ये रेसिपी कैसा लगा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन।